Assalamu alaikum. This is day 7 of remedial classes and आज हम focus करेंगे बेटा basic बहुत ही ज़्यादा base of angles पे. ठीक है, angles क्या होते हैं अगर हमें पता तो है, हम बहुत अरसे से इनको measure भी करते आ रहे हैं, हमने इनको जो है ना वो कैलकुलेशंस भी किए हैं इन पे बेस्ड. मगर मसला क्या है कि हम डिफाइन अगर करना तो हमारे क्या स्टेप्स होंगे, क्या बताएंगे हम इसमें कि क्या डेफिनेशन है एंगल की, कोई आइडिया? जी इजियान, एनी आइडिया व्हाट इज एन एंगल? जी अटेम्प्ट करें, गलत सही कुछ नहीं होता, आप अटेम्प्ट करें. क्या लग रहा है क्या होगी डेफिनेशन एंगल? एंगल इज समथिंग दैट टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन. ये अलिया ने इसमें इनपुट दिया है बेटा और सही है तकरीबन. शायद बता बेटा एंगल किसे कहते हैं? आप लोगों ने तो रिसेंटली पढ़ा होगा ये. ओके, सबसे पहले तो ये बताओ एंगल पढ़ते कहाँ, कौन सी मैथमेटिक्स की आपको पता है ना अलग अलग शाखें हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, कभी आप अलजबरा पढ़ते हो, कभी कुछ पढ़ते हो, यानी ब्रांचेज हैं, तो उसमें कौन सी ब्रांच के अंदर आप जो है एंगल का जिक्र करते हो? ज्योमेट्री में? यानी इसका मतलब क्या है कि एंगल का ताल्लुक ज्योमेट्री से है. आप इसे ज्योमेट्रिकल शेप भी कह सकते हो. ठीक है, एंगल एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है और इसमें स्पेसिफिक बताओ क्या ये शेप, ये शेप कितनी लाइनों पर मुश्तमिल होता है? एंगल के लिए कितनी लाइनों का होना जरूरी है? हाउ मेनी लाइंस आर नीडेड फॉर एन एंगल? टू. बेटा वी नीड टू स्ट्रेट लाइंस और जैसे कि ये एक स्केल से मैं इस पे देखो, इस स्केल की खासियत क्या है, जीरो शो हो रहा है ना, जीरो डिग्री पता लग रहा है. मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरह से और एक पॉइंट मार्क करके मैं इस पे मैंने एक किसी स्पेसिफिक ये मैंने ड्रॉ किया, ये कितना एंगल है? अच्छा ये एडिशनल लाइन इसमें मौजूद है, इसमें स्ट्रोक के नज़र के बजाय इसको मैं इस तरह कर दूँगा ना तो फिर ज़्यादा ईजीली मेरे शेप सही ड्रॉ हो जाएंगे. मैंने इसे यहाँ तक मिटा दिया इस स्ट्रेट लाइन को. अब ये जो मेरे पास एंगल बना है आपके सामने, हमारा एंगल कुछ इसी तरीके का नज़र आता है जब बुक्स में हम देखते हैं, है ना? सो दिस इज द शेप ऑफ एन एंगल. बट हमारे पास यहाँ पर जो दो लाइन्स है ना, ये बेसिकली दो एरोज इनके साथ बनाए हुए होते हैं और ऐसी लाइन जो एक डायरेक्शन, एक साइड उसकी जो है वो टर्मिनेटिंग हो, रुकी हुई हो, और दूसरी साइड उसकी जो है ना वो एरो की तरह, एरो क्या चीज़ शो कर रहा होता है कि ये इसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू हो, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ रे. ठीक है, ये रे कहलाती है दोस्तों. एक जो रे है उससे हमारा एंगल शुरू हो रहा होता है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल से एंगल शुरू होता है इस वाली से. ठीक है ना, तो ये आपकी जो है ना वो इनिशियल या स्टार्टिंग कहलाती है. ठीक है ना,
स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, और जिस पर आपका एंगल एंड हो रहा होता है, लेट सपोज इस पर एंड हो रहा है, क्योंकि ये वाली जीरो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही थी ना ये वाली रे, जिस पर एंड हो रहा है उसको आप टर्मिनल लफ्ज यूज करते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है ना जहाँ पे कोई चीज़ एंड हो रही है, जैसे टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल, तो ये टर्मिनल रहेगा। जब हमारे पास इसमें ये पॉइंट है ना, जिस जगह पे अभी मैंने बोल्ड किया आपके सामने, ये वाला पॉइंट आपको एरर नजर आ रहा है यहाँ, सो दिस पॉइंट हैज अ नेम स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक नेम क्या है इसका पता है आपको? इसको हम कहते हैं ट्राइंगल का एक कॉर्नर पॉइंट का नाम बताया था ना मैंने, क्या होता है किसी भी शेप के जो ये कॉर्नर्स बनते हैं ना, जिसपे एंगल्स बनते हैं, इनको आप वर्टेक्स कहते हैं। सर्कल में वर्टेक्स होगा नहीं होगा ना, कॉर्नर ही नहीं बनता को, इसीलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल, कि एक एंगल क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन एंगल में हमारे पास ये पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है बेटे। और दूसरा कि इसके अंदर भी दो डायरेक्शंस होती हैं एंगल, अगर आप नोट करें, हम नॉर्मली जो इसे पॉजिटिव एंगल कह रहे होते हैं ना, वो हमेशा जो पॉजिटिव एंगल कहलाता है ना, जैसे कि स्टैंडर्ड होता है ना हर चीज़ का, आप एंगल बताओ मुझे, नीचे से ऊपर की तरफ भी मेजर किया जा सकता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी मेजर किया जा सकता है। अगर ये नीचे वाला स्टार्टिंग और ऊपर वाला टर्मिनल है, तो एंगल की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हुई, ये कहलाता है पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये बेसिकली अगर मैं इसको नाम दूँ, तो बेटा आपने घड़ी चलते देखी है, तो ये जो डायरेक्शन है, अगर नोट करो, इस तरह से घड़ी क्या इस तरह चलती है या घड़ी इस तरह चलती है, ये वन वाला सही है या टू वाला घड़ी के चलते, टू वाला है ना। और आप ये बताओ ये जो एंगल है ये वन की डायरेक्शन में टू की डायरेक्शन, वन की डायरेक्शन, और वन घड़ी के ऑपोजिट चल रहा है, तो घड़ी के ऑपोजिट चलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, क्या कहते हैं। सो ये एंटी क्लॉक वाइज हो गया बेटा। सो एंटी क्लॉक वाइज एंगल जो है ना, जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, यही कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। नॉर्मली नेगेटिव एंगल्स हमारे पास टू लेवल्स के सिलेबस में इतना डिस्कस नहीं हुए हैं, बट ये मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि आप जब आगे भी बढ़ेंगे तो पॉजिटिव एंगल वही होगा जो एंटी क्लॉक वाइज होता है, और क्लॉक वाइज को हम नेगेटिव एंगल कंसिडर करते हैं। सो क्लॉक वाइज इज नेगेटिव। अच्छा, एंगल मेजरमेंट की बात करें, जैसे यहाँ पे 43 डिग्री लिखा हुआ है, सो ये डिग्री ऊपर की तरफ, ये जो एक छोटा सा जीरो का सिंबल बनाया जाता है, दिस इज स्टेटेड एज डिग्री। डिग्री इज द यूनिट टू मेजर। डिग्री क्या है? इट्स अ यूनिट टू मेजर एंगल, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कभी तो आप बताएंगे ना क्या है भैया डिग्री जो इसमें लिखा हुआ है, क्या चीज़ कहलाएगी? यूनिट टू मेजर एंगल। और ये बता दीजिए कि कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया है, आपने जो ओवरऑल कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है उसके आपने टोटल कितने डिवीजन किए हैं, उसके आपने 360 छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं, सही है ना। तो उसमें जो एक छोटा पार्ट है दैट इज एक्चुअली 1 डिग्री, ठीक है ना। एक सर्कल के टोटल एंगल को 360, एक सर्कल का जो टोटल एंगल है उसके 360 स्मॉल पार्ट्स किए, तो जो एक छोटा पार्ट बना वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। सो ये 1 डिग्री इज द 360th पार्ट
ऑफ द टोटल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, आपको ये आइडिया है कि ये जो अगर एक ग्रिड ड्रॉ की जाए जिसमें एक्स और वाई एक्सिस बनाया जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या एंगल बना रही होती हैं लाइनें, ये एक्स और वाई एक्सिस ये एक दूसरे से क्या एंगल बनाते हैं बेटा, 90 डिग्री बनाते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, राइट एंगल कहते हो। सो ये जो राइट एंगल है ये बेसिकली 90 डिग्री एंगल होता है, और हमारे पास पूरा सर्कल है अगर उसके चार इक्वल पार्ट्स कर दें, आपने टोटल एंगल 360 कंसिडर किया है, तो चार इक्वल पार्ट्स करेंगे तो सारे जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, है ना। तभी हमारा टोटल काउंट हो गया कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, कोई से भी ऐसे एंगल्स, एंगल्स दैट गैदर टू मेक 90 डिग्रीज, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब ये जो मैंने बताया, ये तो हमने 90 90 90 सारों को बता के 360 बताया था, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं भाई, अगर लेट सपोज मेरे पास एक एंगल है, जी अगर मेरे पास एक एंगल है जो कि है 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल है 60 डिग्री का, इन दोनों एंगल्स को ऐड करें क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएं, ठीक है, बिकॉज दे ऐड अप टू 90 डिग्री, दे ऐड टू बिकम 90 डिग्री। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो किस टाइप के होते हैं उस पर बात कर लें। एमसीक्यूज में नॉर्मली बोला जाता है कि भाई आप ऐसा करो कि ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री बताओ। इसका मतलब क्या है, 42 डिग्री के साथ कौन सा ऐसा एंगल है जिसे ऐड किया जाए तो टोटल क्या आ जाए बेटे, टोटल कितना आ जाए, 90 आ जाए। तो 42 डिग्री के साथ क्या ऐड करें कि 90 आए। अब इसको आप एक तो जहन में सोच लो कि यार 45 होता था, तीन मजीद बढ़ा दो 48, है ना, हाफ 45 होता था। या फिर आप ये करो कि सिंपली आपने जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको एक्स कह दिया, आपने कहा एक्स में 42 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 90। तो 42 दूसरी साइड भेज देता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस 42, इसका मतलब 48। सो अवर आंसर इज 48 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटे सब। अच्छा जी, नेक्स्ट है
सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सिमिलर टू कॉम्प्लीमेंट्री, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज जिन्हें ऐड किया जाए। तो वो क्या जवाब दें आपको? 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल, जैसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन, एड टू बिकम स्ट्रेट लाइन और एंगल विच इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा से दो एंगल्स ही हों। हाँ, अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए दिया तो फिर दो की बात हो रही हो, लेकिन तीन एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, जैसे 60 प्लस 60 प्लस 60, ये तीनों। चूँकि क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन पे अगर बात करें ना, तो इस डेफिनेशन पे ये पूरा उतर रहे हैं कि इन तीनों को ऐड किया जाए तो क्या आंसर मिल रहा है। 180 मिल रहा है ना। सो ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगेन फिर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, तो क्वेश्चन में हमारे पास जब आता है ना सवाल, जब आता है हमारे पास, तो सवाल इस तरह से आता है कि फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, लेट सपोज 65 डिग्री। तो इसको कैसे निकालेंगे आप बताइए जरा, उसे क्या होना चाहिए? जी तो क्या करेंगे भाई, 65 में कुछ ऐड करें तो 180 बने, या डायरेक्टली 180 से क्या कर दें, माइनस कर दें 65, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी 5 जी। सो 115 इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री। बात समझ आई? सो ये तो एक इजी आप लोगों के लिए टॉपिक है। अब इसमें बेटा नेक्स्ट है, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? ये कुछ एंगल टाइप्स हैं। जी एक्यूट एंगल कौन सा होता है? पहली टाइप एक्यूट, एन एंगल दैट इज बिटवीन 0 and 90। एक मिनट, क्योंकि 0 डिग्री को तो आप एंगल ही नहीं काउंट करोगे ना। सो एंगल बिटवीन 0 and 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट के बाद नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट एक्यूट के बाद होता है ऑब्ट्यूज। जी ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? एंगल बिटवीन 90 and 180। बेटा 0 से 90 के दरमियान एक्यूट है ना। ठीक है, अब तुम ऐसे जैसे एंगल बनाओ, तुम्हारे पास ये एंगल क्या आया, लेट सपोज ये 65 है, तो तुम इसे एक्यूट बोलोगे या ऑब्ट्यूज? अगर तुमने 0 से 180 तक पूरा बोल दिया तो ये एक्यूट है ना, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 till 90। और अगर तुम्हारे पास ये एंगल है, और सॉरी इस साइड से नहीं बनाएंगे, एक ही रेफरेंस होगा हमारे पास इस साइड से, तो ये फिर 60 हो जाएगा ना, तकरीबन 65 है। यहाँ से एंगल दिया हुआ है 125।
ये कितना है, ये एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज, बिकॉज इट इज बिटवीन 90 एंड 180। ऑब्ट्यूज के बाद हमारे पास एक एंगल कहलाता है जिसे आप कहते हो राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री। और फिर इसके बाद होता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है बेटे? 180 डिग्री। इसके बाद बारी आती है रिफ्लेक्स एंगल। जी, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जैसे मैं इसको 90 को बोल दूं राइट एंगल, अगर ये वाली लाइन यहाँ पे देख ली जाए, ये पूरा 180 बन रहा है, इसे मैंने क्या कह दिया? स्ट्रेट कह दिया। तो ये जो 180 से आगे की जितनी भी है टिल 360, 180 से 360 के दरमियान में कोई भी एंगल आएगा तो वो हमारे पास कौन सा एंगल कहलाएगा बेटे? वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एंगल ऑफ 290 तकरीबन यहाँ पर बनेगा, तो ये पूरा यूं करके यहाँ तक का एंगल, यहाँ तक, इफ दिस इज 290 दिस एंगल इज रिफ्लेक्स। ठीक है, समझ आ गए? पूछूंगा किसी टाइम पे, ये ना होगे याद ही ना होगे रिफ्लेक्स कौन सा है, राइट कौन सा है, स्ट्रेट कौन सा है, पता होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये तो टाइप्स हो गई एंगल की। जी चलें छोड़ दें, दोबारा से शुरू करें। तो एंगल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें पढ़नी है वो ये है कि अगर दो लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, ऑल दो मैंने इतनी स्ट्रेट नहीं बनाई लेकिन आपको ये बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट लाइंस जब दो इंटरेक्ट करेंगी तो एंगल्स बनेंगे बेटा, और हमारे पास टोटल जो है वो चार एंगल्स बनेंगे इसमें। एक ये होगा, फिर दूसरा ये होगा, फिर तीसरा ये वाला एंगल होगा बेटे, और चौथा ये एंगल होगा। अब ये डिफरेंट कलर्स से जो मैंने एंगल्स बनाए हैं बेटा, इनमें दो एंगल्स ऐसे होंगे जो आपस में बराबर होंगे, और वो कौन से होंगे? जो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं, या समझ लो कि सिंपली हम ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे। जैसे कि जो ये वाला एंगल है, अगर इसका नाम ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो हमारा जो एंगल ए होगा ना वो सी के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है जिसे आप कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, या तो आप सिंपली ऑपोजिट कहते हैं या वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं। और अगर ए सी के बराबर है तो ऑब्वियसली फिर बी और डी एंगल भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी थी पहली। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें बेटा ये है, अगर दो लाइंस जो कि पैरेलल हों। ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं भाई? जो सेम डायरेक्शन में हो, है ना, और जो आप जितना भी एक्सटेंड कर लो वो कभी भी आपस में मिले नहीं। जैसे आप ऐसी दो गाड़ियां एक साथ चलने वाली तो सेम डायरेक्शन में चल लेंगी,
वो अगर उनके हैंडल में हल्का सा भी जो है ना वो ट्विस्टिंग है ना, वो आगे जाके क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल पैरेलल हैं तो वो सीधी चलती रहेंगी और वो आपस में टकराएंगी। वही ऐसी दो लाइंस होती हैं जो पैरेलल लाइंस। कौन सी होती हैं समझ आ गया? कि ऐसी दो लाइंस, उनको जितना भी एक्सटेंड कर लो वो आपस में कभी ना मिलें, इसका मतलब उनकी जो एंगल्स हैं, उनकी जो डायरेक्शंस हैं, वो बिल्कुल सेम। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अगर इन दो पैरेलल लाइंस को कोई एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही हो, तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई भी कर्व नहीं है, बट ये तीसरी वाली इनके पैरेलल नहीं है, तभी तो उसको कट कर रही है, अगर पैरेलल होती तो कट ही नहीं करती। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है आप लोगों को? अच्छा, इसमें हमारे पास इस केस में वी हैव ऑल्टरनेट एंगल्स। तीन तरीके के एंगल्स होते हैं इसमें। एक तो यहाँ पर नोट करो, ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जैसे ए और बी, और इसी तरह अगर मैं इसको बनाऊ सी और ये मैं डी बना, बल्कि रुको एक मिनट, मैं ज़रा एंगल्स को नाम दे दूँ, फिर मैं इनमें बता दूँ कि किस एंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। इसमें हमारे पास मैंने ए बी सी डी ई चार पांच एंगल्स बनाए बेटे। इनकी लाइनों की खासियत क्या बताई? कि ये जो लाइन, समझ लो लाइनों को भी नाम दे देता हूँ, ये वाली लाइन एम है, ये वाली लाइन एन है। एम और एन क्या है? पैरेलल हैं। एम एंड एन, लाइन एम एंड एन आर पैरेलल। अनदर स्ट्रेट लाइन जो कि इनके पैरेलल नहीं है, वो इन दोनों को क्या कर रही है? कट कर रही है। जहाँ कहीं दो लाइंस कट होती हैं वहाँ पर एंगल्स बनते हैं, चार एंगल्स बनते हैं, है ना? मैंने अभी स्पेसिफिकली कुछ एंगल्स को हाईलाइट किया है और उसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या, किस एंगल को क्या नाम दिया जाता है। अभी आप लोग एक चीज़ पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें करके बैठे हो बेटा, के ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं या नहीं है। भाई देखो, नोट करो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है, स्ट्रेट लाइंस कट कर रही है। जो एंगल एक दूसरे के, मतलब एक को छोड़ के दूसरा जो बनता है, या जैसे ए के बाद हमने सी को छोड़ दिया और बी पर आए, है ना? नोट कर रहे हो ये चीज़? ए के बाद सी को छोड़ दिया, किस पर आए? बी पर। तो बेटा ये नोट करो कि ये जो एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट कहलाते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के? बराबर होते हैं ना बेटे? और ये किस रूल के तहत बराबर हैं? इनको हम क्या कहते हैं? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिस इज द फर्स्ट एंगल प्रॉपर्टी दैट हमने इससे पहले पढ़ ली थी बेटा। अब जरा एक नई प्रॉपर्टी, एक नया नाम एंगल का मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो क्या है बेटे? इसको ना हम जी एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये कौन से एंगल्स होते हैं? जब कभी दो लाइंस इंटरैक्ट करें ना, तो उसमें ये अंदर वाले जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर बन रहा है, बी सी और डी, ये जो है ना वो इसके अंदर के रीजन में, वर्टिकल अपोजिट के अंदर, ये वाले अंदर के रीजन में बनने वाले एंगल्स हैं ये चारों। इन चारों एंगल्स में
से दो आपस में बराबर होते हैं और दो आपस में बराबर होते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उस प्रॉपर्टी को आप जैसे बी एंड डी ये आपस में बराबर होंगे, और इसको समझ लो, इसका अंदाज़ा लगाने का तरीका ये है कि ये शेप बन रहा होगा कुछ इस तरीके का, जेड शेप बन रहा होगा, एन शेप बन रहा होगा, ठीक है? बहुत से क्वेश्चन में जब आप बेयरिंग के करते हैं आगे जाके, तो उसमें वो एन शेप भी बन रहा होता है। तो ये जो शेप है ना, जहाँ पर भी बन रहा है, और ये दोनों केसेस में बन रहा होता है, जहाँ ये बन रहा है इसमें बनने वाले ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, यानी बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू डी। और इसी तरह अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा होता, लेट सपोज एफ, तो एफ किसके बराबर होता? सी के बराबर होता। ये हमारे पास ऑपोजिट समझ लीजिए कि जेड बन रहा है, जो सी और एफ है ना, ठीक है? सो एक तो ये हो गई बात। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बट इस ऑल्टरनेट एंगल्स के अंदर ज़रूरी क्या चीज़ है कि आपके पास के दो लाइंस क्या होनी चाहिए बेटा? पैरेलल होनी चाहिए। टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो ये जी एंगल प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। दो लाइंस पैरेलल हैं, उस पर एक चीज़ कोई दूसरी एक स्ट्रेट लाइन कट करे उसे, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द जैसे ने ऑल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं, इनको हम जी एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं बेटा, ठीक है? बिकॉज इसमें जी बन रहा होता है, बाजू का तो उल्टा जी भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप नोट करो ये वाला, इस तरह से ये उल्टा जी बन रहा है बेटा। अब सी एंगल के बारे में बात करने लगे। अब बेटे इसमें ना एक एंगल्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं, वो कौन सी होगी पता है? जो दिखने में दोनों लाइनों की सेम पोजीशंस पर आ रहे हों, जो दोनों लाइंस की सेम पोजीशंस पर आ रहे हों, उन्हें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ जब आए ना, तो समझ जाओगे कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है एंगल्स में स्पेसिफिकली, दैट लाइज एट सेम पोजीशन। मतलब अगर आप मुझे ये बताओ, आपके पास ये ए बी सी डी ई एफ, आपके पास ये इतने सारे एंगल्स हैं, इनमें मुझे आप कोई दो ऐसे एंगल बता दो जो दिखने में सिमिलर पोजीशन पर आ रहे हैं। जी ए एंड डी ऐसा है या नहीं है? ए और डी सिमिलर पोजीशन पर है या नहीं है? वहाँ पर कुछ हो कर रहा है, यहाँ पर कुछ, चलो खैर। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हें कहेंगे आप? जी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए और डी हो गए, इसके अलावा और कोई है बेटे? बी और ई, क्या बी और ई कॉरेस्पॉन्डिंग है? ठीक, आर इक्वल एंड दे आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड सिमिलरली बी एंड ई आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग।
अब आप मुझे ये बताओ, इस हिसाब से हमारे पास टोटल कितने होने चाहिए थे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने? अगर मैं ये एंगल बना दूं तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? सी के होगा, तो इसको नाम दे दें, कोई भी जी नाम दे दें, तो जी और सी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। मैंने बी और सी का लिख दिया भाई, ई था, ई लिखा था भाई। और इसी तरह फिलहाल ये काफ़ी है, सारे चार होते हैं टोटल हमारे पास, है ना? ये सारे क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इसीलिए ये सारे इक्वल हैं। ठीक है? अब बेटा आखिरी प्रॉपर्टी इसमें अंदर है, जिसे हम सी एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो सी एंगल प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जहाँ पे सी बन रहा है ना, जैसे बेटा ये अभी मैंने रिसेंटली जो हाईलाइट किया, ये सी बन रहा है। इसमें आने वाले, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे ना बेटे, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये खासियत ये है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया बेटे, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिन्हें ऐड किया जाए तो क्या बने? 180। तो इनकी खासियत क्या है कि ये दोनों एंगल जो इस तरीके से सी फॉर्मेशन में बन रहे होंगे, इनको ऐड करने पे आंसर 180 आएगा। दिस इज कॉल्ड सी एंगल प्रॉपर्टी। एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है? अब ये बताओ कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस गिवन डायग्राम में ऐसे कौन से दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिन्हें ऐड करा जाए तो 180 आए? जी सी कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। इनमें कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं बेटा? सी और डी। सी और डी को ऐड करेंगे क्या आएगा? 180। किस प्रॉपर्टी के तहत? आप इसे नाम दे दोगे सी एंगल प्रॉपर्टी। और आप मुझे ये बताओ, ऐसे कोई और दो एंगल्स हैं जिन्हें ऐड करने पे 180 आए? जी बेटे बी और एफ। शाबाश, समझ आ गई ना बात बेटे? ये हमारा आज का टोटल टास्क थी। ठीक है, मैं अब यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको मैं ज़रा रिकॉल करवा दूंगा।